तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो जॉनस्टन शील्ड वनडे ट्रॉफी चल रही है न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में। तो भाई इस वीडियो में आपको इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ भाई ये टूर्नामेंट हमारे लिए अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है और भाई उम्मीद करूँगा ये मैच भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो। और भाई काफ़ी ज़्यादा नए प्लेयर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं और काफ़ी मतलब कुछ स्क्वाड में चेंजेज हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं स्क्वाड्स की, लेकिन उससे पहले भाई बता जो फाइनल टीम की फाइनल अपडेट है वो भाई मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैच काफी अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरी इन्वेस्टमेंट भाई जरूर रहेगी इस मैच में और काफी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रहेगी। मॉर्निंग में भाई 3 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो अगर आप 2:30 पर उठ सकते हो तो भाई तभी आप इस मैच में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना, वरना कभी पता लगे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और आपके सामने वाला बंदा मतलब टीम मतलब जो टीम में चेंजमेंट करने होते हैं फाइनल टीम में वो करके आपको हरा दे। तो अगर भाई आप मॉर्निंग में उठ सकते हो तो इस मैच में अच्छा खासा इन्वेस्ट आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई वेलिंगटन ब्लेज की स्क्वाड की। तो यहाँ पर आप देखोगे मेडिग्रीन आपको दिख जाएगी, एमएला कैर आपको दिख जाएगी, रेबिका बर्न्स, इसके अलावा भाई टेस कॉडफायर, इसके अलावा भाई जारा जेटली, लेक कैस्परक, जैस कैर, कैटलिन किंग, इसके अलावा भाई जैस मैकफेडन, इसके अलावा भाई थेमस न्यूटन और जॉर्जिया प्लिमर और मेनका सिंह। भाई ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए खेल रही है, मतलब सारी तो नहीं खेल रही, इनमें से भाई प्लेइंग 11 चुनी जाएगी। वही अगर बात करें यहाँ पर भाई ऑकलैंड आर्ट्स की टीम की, तो यहाँ पर देखो इन्होंने भाई 2 मैच है इन दोनों टीम्स के बीच, 3 जनवरी और 4 जनवरी को, तो भाई इन्होंने दोनों ही मैच के लिए अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। तो यहाँ पर अगर बात करें इनकी स्क्वाड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेला आर्मस्ट्रांग दिखेंगे, जैन बार्लेट, सारा कैटलन, इसके अलावा भाई लॉरेन डाउन, इजी गेज, एम ए हकर, होली हडलस्टोन, इसके अलावा भाई बी इलिंग, फ्रैन जोन्स, एरलन कैली, और यहाँ से बात करें तो मोली पेनफोल्ड, इसके अलावा ये भाई सिर्फ मोली पेनफोल्ड सिर्फ 3 जनवरी को अवेलेबल है, यानी कि कल वाले मैच के लिए अवेलेबल है और भाई बाकी जो 4 जनवरी को इनका मैच होगा उसके लिए भाई अवेलेबल नहीं होने वाले, ठीक है। कैटी परकिंस, जैस प्रसाद और सचिन सहारी, भाई ये इनकी स्क्वाड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से भाई अगर देखो इनके मेन बॉलर्स की बात करें तो बेला आर्मस्ट्रांग आपको कंप्लीट बॉलिंग करती नजर आएगी, इसके अलावा भाई होली हडलस्टोन, फ्रान जोन्स, इसके अलावा एरलन कैली है, ये आपको 5 से 7 ओवर डालती नजर आ सकती है। और यहाँ से भाई जैस प्रसाद और मोली पेनफोल्ड, ये आपको इनके मेरे हिसाब से 5 बॉलर यहाँ पर नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई 10-10 ओवर के आपको स्पेल जो डालेंगी वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। होली हडलस्टोन भाई मस्ट पिक है आपके लिए, जरूर मेरे हिसाब से डालती नजर आएंगी। बेला आर्मस्ट्रांग आपके लिए यहाँ से ओवर कंप्लीट कर सकती है, इसके अलावा भाई यहाँ से 7 से 8 ओवर डाल सकते हैं एरलन कैली, इसके अलावा भाई मोली पेनफोल्ड आपको कंप्लीट ओवर डालती नजर आएगी, इसके अलावा भाई यहाँ से भाई जैस प्रसाद यहाँ से अपने ओवर कंप्लीट कर सकती है और बाकी जो ओवर है वो भाई इनके पार्ट टाइमर डालने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर दोनों ही टीम्स के जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस रही है उसकी। तो थोड़ा सा अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑकलैंड आर्ट्स की टीम यहाँ पर भाई नॉर्दर्न ब्रेव्स के साथ अपना लास्ट मैच खेल के आ रही है, जिसमें भाई ये बुरी तरीके से हार के आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकी बैटिंग की, तो लॉरेन डाउन भाई न्यूजीलैंड की तरफ से भी खेल चुके हैं इंटरनेशनल मैचेस, तो यहां पर आप ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला, लास्ट मैच में काफी अच्छे स्कोर गया। इसके अलावा एस बेला गेज की बात करें तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ी रिस्की पिक हो जाएंगे, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एरलन कैली मस्ट पिक आपके लिए, कैटी परकिन मस्ट पिक है, ओली हडलस्टोन आपकी टीम में होनी चाहिए, बेला आर्मस्ट्रांग आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छा खासा काम कर सकती है, जैस प्रसाद एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर आपके काम आ सकते हैं, सारा इसके अलावा सारा इसका नाम यार थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है, सारा आप सारा के नाम से मतलब मेंशन कर रहा हूँ मैं, आप समझ जाना, मोली पेनफोल्ड यहाँ पर, फ्रान जोन्स और यहाँ से जेन बार्नेट, ठीक है। तो यहाँ से भाई देखो 3 जो इनके मेन बैट्समैन है वो काम आए थे, ओली हडलस्टोन ऑलराउंडर है और भाई कैटी परकिंस आपको पता है कितनी गजब की है, T20 भाई ये जो सुपर स्मैश चल रहा है उसमें भाई ये ओपनिंग करते हैं, 1 डाउन खेलते हैं, यहाँ पर भाई ये 2 डाउन खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से आपको एरलन कैली यहाँ से सिर्फ 4 ओवर नजर आई थी, लेकिन भाई इस मैच में आप इससे अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हो, 7 से 8 ओवर कंप्लीट डाल सकती है। फ्रान जोन्स कंप्लीट ओवर डाले थे, 3 विकेट निकाले थे, होली हडलस्टोन ने भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ओवर डाले थे, मोली पेनफोर्ड ने 4 सिर्फ अपने मतलब 6 ओवर डाले थे, ये भी भाई आपको कंप्लीट ओवर डालते नजर आ सकते हैं, जैन बार्नेट आपको कंप्लीट ओवर डालती नजर आ सकती है, इसके अलावा भाई जैस प्रसाद आपको कंप्लीट ओवर डालती नजर आ सकती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें वेलिंगटन ब्लेज की, तो थोड़ा ऊपर चलेंगे यहां से
तो कैंटबरी मैजिशियंस को ये लास्ट मैच में 2 विकेट से हरा के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा भाई इनका मतलब जो मोटिवेशन इनका थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ से अगर ओपनर्स की बात करूँ तो रेबिका बर्न्स और जेसिका मैकफेडन आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी मेरे हिसाब से। जेसिका मैकफेडन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको आप जरूर ट्राई करना। रेबिका बर्न्स को आप ट्राई कर सकते हो। एमला कैर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम की। मेडिक्रीन की बात करें तो बेहतरीन यहाँ पर आपके लिए ऑलराउंडर काम कर सकते हैं। जॉर्ज प्लिम्बर यहाँ पर 29 रन बनाए, इसके अलावा लेग कैस्पेरक्स 30 रन बनाए, थमी न्यूटन ने यहाँ पर भाई 29 रन बनाए और नीचे आके भाई इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। बात करें अगर यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भाई देखो मेनका सिंह ने 9 ओवर डाले, यहाँ पर 2 विकेट निकाले, मतलब कंप्लीट ही बॉलिंग ये करती नजर आएंगी। इसके अलावा नताशा कोडियोर आपको 5 से 6 ओवर डालती नजर आएंगी हर मैच में। लेग कैस्पेरक कंप्लीट ओवर डालेंगे, 1 विकेट निकाला। कैटल किंग ने 1 विकेट निकाला। एमला कैर ने 10 ओवर में 5 विकेट निकाले, यानी कि एक बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए होने वाली है। और कैप्टन के लिए भाई और किसी को देखना मत, एमला कैर आपके लिए बेस्ट रहेगी। डेना डोजली की बात करें तो 2 ओवर डाले, मैडी ग्रीन ने सिर्फ 2 ओवर डाले और 1 विकेट भी निकाला। तो अब चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम की। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं भाई, जो फाइनल टीम है उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भाई आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं करते तो भाई फिर आपको फाइनल अपडेट नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ से बात करें अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो जैक मैटफेडन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैटी परकिंस मैडी ग्रीन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से भाई लोरा डाउन और यहाँ से भाई रबिका बर्न्स को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी भाई यहाँ से अगर आप मैडी ग्रीन को ड्रॉप करके और एरन कैली के साथ जाना चाहो तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाली, आप इसके साथ जा सकते हो इजिली। एमला कैर हमारी टीम में रहेंगे। एना पैटरसन भाई यहाँ पर ओकलैंड आर्ट्स की, जो मतलब इनकी वजह से भाई ये ऑलमोस्ट मैच विन करते हैं और भाई ये स्क्वाड में है ही नहीं तो भाई इनको पिक करने कोई फायदा नहीं है। ओली अडलस्टोन हमारी टीम में रहेंगे। लेग कैस्पेरक हमारी टीम में रहेंगे। और यहां से भाई देखो आप जेस कैर को ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन आप देख सकते हो काफी कम सिलेक्शन और भाई स्क्वाड के बारे में अभी काफी कम लोगों को पता है, तो अगर आप अभी सिलेक्शन करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके सो जाते हो तो भाई मॉर्निंग में हो सकता है कोई आपका ओपोनेंट उठे ना, तो भाई वो कई ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको मतलब कंपटीशन देता नजर आए जो मतलब खेल ही नहीं रहे, तो आप इजीली उनसे विन कर लोगे। यहां से अगर बात करें तो एफ जोनास आपकी टीम में रहेंगी। अब देखो यहां से भाई 2 सिनेरियो बन रहे हैं। अगर आप यहां से एफ जोनास को ट्राई कर रहे हो तो आप नीचे से भाई यहां से मेनका सिंह के साथ फिर आप भाई यहां से ट्राई करोगे बेला आर्मस्ट्रांग को, ठीक है। और अगर आप भाई यहाँ से देखो नीचे की साइड अगर हम बात करें तो सोफी डिवाइन यहाँ पर टीम में है नहीं। यहाँ पर अगर भाई आप जयस प्रसाद को ट्राई कर लेते हो, ठीक है, जयस कैर की जगह जयस प्रसाद को, तो फिर भाई आप यहाँ से मतलब अपनी टीम में कहाँ पे गए भाई, यहाँ से भाई अगर आप जयस प्रसाद को अपनी टीम में ले रहे हो तो नीचे से भाई आप फिर यहाँ से नताशा कोडियोर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने जयस प्रसाद के तौर पर ओकलैंड आर्ट्स का एक बॉलर कवर कर लिया है। तो आप यहाँ से बेला आर्मस्ट्रांग को ड्रॉप करके फिर आप यहाँ से नताशा कोडियोर को ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए भाई कुछ इस प्रकार की हमारी टीम होने वाली है। अब मैं यार फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। यहाँ पर भाई आप जयस प्रसाद को ड्रॉप करके मेरे हिसाब से जयस कैर के साथ जा सकते हो, बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए होने वाली है। और यहाँ से फिर आप बेला आर्मस्ट्रांग के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब इस मैच में भाई टॉस का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि भाई अगर टॉस यहां पर ओकलैंड आर्ट्स मतलब कोई भी टॉस विन करे, जो भी टीम अगर यहां पर भाई वेलिंगटन ब्लेज की टीम पहले बैटिंग करती है तो भाई दोनों के साथ मैं जाऊंगा, अदरवाइज भाई मैं इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके नीचे से नताशा कोडियोर के साथ जाने वाला हूं, ठीक है। तो ये काम मैं करने वाला हूं, बट अभी के लिए मैं बेला आर्मस्ट्रांग को ही सेव करके रख रहा हूं। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। कैप्टन में अभी के लिए कैप्टन तो भाई एमला कैर ही रहने वाली मेरी। वॉइस कैप्टन की बात करें तो यहां से भाई काफी सारे ऑप्शन है। यहां से अगर देखो होली अडलस्टोन की बात करें तो बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा भाई यहां पर जेस कैर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भाई कैस्पेरक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो भाई मेनका सिंह के ऊपर ले सकते हो, बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए इस मैच में हो सकती है। और ऊपर से बैटिंग की बात करें तो भाई तीनों के तीनों बैट्समैन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से भी ट्राई कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें एरलन कैली की तो ये आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई ये 7 से 8 ओवर भी डालेंगी और भाई बैटिंग में भी आपको ठीक ठाक बैटिंग करके दे देंगी, तो भाई बेहतरीन पिक आपके लिए ये भी हो सकती है। बट अभी के लिए मैं लेग कैस्पेरक्स के साथ जा रहा हूं। फाइनल टीम में मैं भी भाई कुछ चेंजमेंट करता आपको नजर आऊं तो फाइनल टीम के लिए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।